दोस्तों, एनजेएन लर्न विद लिमडिया में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन पैथोलॉजी पार्ट बी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस ऑन पैथोलॉजी पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर वन, आरएच मदर फीटस असंगठित समस्याओं के लिए अधिक जोखिम कौन है? फोर ऑप्शन है, यूरोपियन, अफ्रीकी, मूल अमेरिकी, सभी समान रूप से जोखिम में है। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीकी। आरएच मदर फीटस असंगठित समस्याओं के लिए अधिक जोखिम है अफ्रीकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है? सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है? ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी IgE। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए IgM, सबसे बड़ा इम्यूनोग्लोबुलिन है। क्वेश्चन नंबर थ्री, खाली जगह IgE जो नाल को पार कर सकता है और नए जन्म के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। यहाँ पे फोर ऑप्शन है, ऑप्शन ए IgM, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgA, ऑप्शन डी IgE। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी IgG। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो नाल को पार कर सकता है और नए जन्म के लिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी न्यूक्लिक एसिड और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर फाइव, प्रयोगशाला रेफ्रिजरेटर का सामान्य तापमान कितना रहना चाहिए? प्रयोगशाला रेफ्रिजरेटर का सामान्य तापमान कितना रहना चाहिए? तो यहाँ पे फोर ऑप्शन है, -40°C, 0°C, 3°C और 2 to 8°C। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 to 8°C। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हीमोग्लोबिन खाली जगह है, हीमोग्लोबिन खाली जगह है। ऑप्शन ए डाइमर, ऑप्शन बी एकल, ऑप्शन सी टेट्रामर, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी टेट्रामर, हीमोग्लोबिन टेट्रामर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, आरबीसी की औसत जीवन अवधि कितनी है? आरबीसी की औसत जीवन अवधि कितनी है? 50 से 100 दिन, 10 से 20 दिन, 1 से 5 दिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही आंसर है, क्योंकि आरबीसी की औसत जीवन अवधि है 120 दिन। क्वेश्चन नंबर एट, WBC के कितने प्रकार हैं? WBC के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार, ऑप्शन बी 3 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, ऑप्शन डी 4 प्रकार। तो यहाँ पे सही आंसर है 5 प्रकार, WBC के 5 प्रकार है। वो कौन से है? वो है न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेजोफिल्स। ये 5 प्रकार WBC के है। क्वेश्चन नंबर 9, हेपेरिन किस सक्रियण के द्वारा काम करता है? हेपेरिन किस सक्रियण के द्वारा काम करता है? ऑप्शन ए फैक्टर 5, ऑप्शन बी एंटीथ्रोम्बिन 3, ऑप्शन सी फैक्टर 13,
ऑप्शन डी फैक्टर 10। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी एंटी थ्रोम्बिन 3। हेपेरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 सक्रियण द्वारा काम करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा लोक तितली किसकी एक विधि है? सुरक्षा लोक तितली किसकी एक विधि है? ऑप्शन ए वेनी पंक्चर, ऑप्शन बी मूत्र टीएस, ऑप्शन सी एंटीजन एंटीबॉडी परीक्षण, ऑप्शन डी कैल्शियम परीक्षण। दोस्तों यहाँ सही आंसर है वेनी पंक्चर, ऑप्शन ए वेनी पंक्चर। सुरक्षा लोक तितली ये वेनी पंक्चर की एक विधि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा प्लेटलेट का सबसे मजबूत उत्प्रेरक है? निम्न में से प्लेटलेट का सबसे मजबूत उत्प्रेरक है तो वो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी सेरोटिनिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोक्सिन 2, ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 12। एक अपरिपक्व न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है? एक अपरिपक्व न्यूट्रोफिल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हम बाद में बताते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विस्फोटक कक्ष, ऑप्शन बी एली सेल, ऑप्शन सी बेन सेल, ऑप्शन डी रेटिक्यूलोसाइट। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी बेन सेल। एक अपरिपक्व न्यूट्रोफिल को बेन सेल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे जहरीला है? निम्न में से कौन सा सबसे जहरीला है? यूरिया, NH3 यानी एमोनिया, NH4 और ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी NH3। NH3 सबसे ज़्यादा जहरीला है। क्वेश्चन नंबर 14। हीमोग्लोबिन को निकालने के लिए इरिथ्रोसाइट का विनाश को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को निकालने के लिए इरिथ्रोसाइट का विनाश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नक्सिर, ऑप्शन बी हीमोस्टेसिस, ऑप्शन सी हीमोलाइसिस, ऑप्शन डी इरिथ्रोफोएसिस। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी हीमोलाइसिस। हीमोग्लोबिन को निकालने के लिए इरिथ्रोसाइट का विनाश किया जाता है वो उसको कहते हैं हीमोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 15। व्यवहार में एक दिन में 100 मिलीलीटर से कम मूत्र के पसार होने के रूप को खाली जगह परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए एजोटेमिया, ऑप्शन बी डायसुरिया, ऑप्शन सी डायूरेसिस, ऑप्शन डी एनुरिया। दोस्तों यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी एनुरिया।